नमस्कार दोस्तों, इस पौधे के पत्ते मात्र को रगड़ने से ख़त्म हो जाता है आपके शरीर का विष। ततैया हो या मधुमक्खी हो या ऐसे उड़ने वाले कुछ विषैले जीव जो आपको काट लें, तो इसके पत्तों को इस तरह से रगड़ लें, वहाँ मसल लें और उससे आपका विष ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस पौधे का नाम है छोटा धतूरा। वैसे हमारे यहाँ इसे कुथुआ के नाम से जानते हैं। यह विष नाशक होता है और अगर कोई विषैला जीव आपको काट ले, बिच्छू भी डंक मार ले, तो इसके पत्तों का रस वहाँ लगाएं और मस लें, इससे ख़त्म हो जाएगा उस जगह का विषैला जहर। अगर आपके कहीं सूजन आ जाती है या किसी जीव के काटने पर सूज जाता है वह जगह, तब भी इसके पत्तों को वहाँ रगड़ें या उसके रस को लगाएं, इससे आपके विष का जहर तुरंत उतरेगा और सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों, मैं इसके नाम से भी आपको परिचित करा सकती थी, पर क्योंकि कई लोगों को नाम से परिचय नहीं हो पाता है, एक ही पौधे के कई नाम होते हैं, तो इसलिए ये सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ये जो छोटा धतूरा का पौधा होता है ये सूख जाता है। इसके जो ये जो इसके फल होते हैं ये भी सूख जाते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तब हम किसी न किसी छोटे बच्चे थे तब सिर पे इसको लगा देते थे और उससे वो बेचारे अगर लड़की के बाल में लगा दिए ना तो खींचते खींचते वो परेशान हो जाती थी। चार पांच लगा दो तो बालों को खींचते खींचते परेशान हो जाएगी, पर ये निकलेंगे नहीं, यही इनकी पहचान है। चलते चलते ये कपड़ों में भी देखिए इस तरह से अगर लग गया तो फिर ये निकालने में बड़ी दिक्कत होते हैं। दोस्तों, वैसे बालों पे हम लगाते थे और बालों कई बाल टूट जाते थे इसे खींचने में, लेकिन सच तो ये है कि ये गंजेपन की भी बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी के सिर पे गंजापन आ रहा है या बाल लगातार झड़ रहे हैं तो आप इनके पत्तों को अच्छी तरह से पीस लें और बिल्कुल वैसे मेहंदी की तरह गुदली बना लें, चटनी सी बनाएं और बालों में लगा लें। उसके बाद कुछ समय बाद उसको धो लें, इससे आपके बाल जो अगर झड़ चुके हैं तो वो उगने लगेंगे और अगर अभी नहीं झड़े हैं तो जी बच जाएंगे। तो आप इसके पत्तों को बालों में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पत्तों की जो चटनी होती है उससे आप चेहरे की झाइयाँ मुहासे भी ख़त्म कर सकते हैं। इसको बिल्कुल वैसे ही चटनी सा बना लें और चेहरे पर रगड़ कर लगाएं और उसके बाद कुछ समय बाद धो लें, उससे आपके चेहरे में चमक भी आएगी और आपके चेहरे की झाई भी हटेगी और जो फोड़े फुंसी बने होते हैं, पिंपल्स वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, है ना, ये बहुत ही काम की चीज़। देखने में तो ऐसे अजीब सा लगता है, कांटेदार, पर ये बहुत काम का चीज़ है। जानकारी न होने के वजह से हम कभी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, पर जानकारी हो जाए तो ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।